कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज है डे फ्राइडे, और तो आज मैं अपना किचन क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि किचन थोड़ा सा मैसी हो रखा है, तो थोड़ा सा क्लीन करूँगी। और इसके साथ साथ मुझे चिमनी भी साफ़ करना है, चिमनी भी गंदे हो गए हैं, मतलब 2 महीने हो गए मुझे चिमनी साफ़ किए हुए। तो आज मैं चिमनी भी साफ़ करूँगी और थोड़ा सा जो है क्लीनिंग करूँगी किचन का, क्योंकि ये किचन जैसे वाइट और वो रेड है ना, तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। जो वाइट है ना, उस पर हल्का सा दाग भी लग जाता है, तो दिखने लगता है। वैसे तो मैं डेली के डेली कर देती हूँ, लेकिन आज मैं सोची कि चलो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और आज बच्चों की भी छुट्टी है, क्योंकि इन लोग के पेपर स्टार्ट है, तो बीच बीच में गैप हो रहा है बच्चों के। आज है डे फ्राइडे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले अपने बालों में खूब सारा तेल लगा लेती हूँ। तेल लगाने के बाद जो है फिर थोड़ी सी सफाई करूँगी, सफाई करने के बाद फिर नहाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर बात करेंगे। तो आज मैं अपने बालों में लगाऊंगी आंवला और तेल मिला के, क्योंकि आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं ये लगाऊंगी बालों, मतलब तेल में मिला के और बालों में लगाऊंगी, इससे भी बहुत अच्छा ग्रो करता है बाल। तो फर्स्ट टाइम जो है ट्राई कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो क्लीनिंग करने से पहले मैं सबसे पहले अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने एक आंवला लिया है, आंवले को मैं इसको अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी और इसमें जो है मिला लूँगी जो है नारियल का तेल। तो आंवला तो रामबाण है, मतलब स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छी है, खाने में भी और बालों में लगाने के लिए बहुत अच्छा, मतलब गुणकारी होता है आंवला। कहते हैं इस धरा पे आंवला तो अमृत के समान माना जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने आंवले को जो है अच्छे से कद्दूकस करके इसका रस निकाल लिया है। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा जो है ऑयल डाल लूँगी, मतलब इसमें आप सरसों का भी डाल सकते हैं, नारियल का भी डाल दे सकते हैं, आपको जो ऑयल सूट करता हो बालों में। तो मैंने यहाँ पर नारियल का तेल लिया है और उसको अच्छे से मैंने जो है बालों को जो है कर, मतलब इसे मांग काढ़ करके अच्छे से लगा लिया है। और लगाने के बाद, और मैंने इतना सारा, जब मुझे बाल धुलना होता है तो मैं बहुत सारा ऑयलिंग करती हूँ बालों में, ताकि जो है अच्छे से जो है एक क्लिंजर का काम करता है। अगर बालों में हमेशा जो है ऑयल लगा के उसके 2 घंटे बाद बाल को वॉश करो तो सही होता है। और यहाँ पे ये देखिए, लड्डू के लिए मैंने फ्रूट्स काट के रखे थे, लड्डू को मैंने कब से बोल रही हूँ ले लो, लड्डू थोड़ा सा गुस्सा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा छोटा है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही शैतानी करता है। तो बस जो है बच्चों का तो नाश्ता पानी हो गया और मैंने अभी बस सिर्फ चाय पिया है, और मैं अब लग गई हूँ अपने किचन में। तो सबसे पहले मैं चिमनी को साफ़ कर लेती हूँ। चिमनी तो मेरा 1 से 1.5 महीने हो गया इसको साफ़ किए हुए, बीच में मैंने 1-2 बार किया था जो है 15-20 दिन पे वैसे कर देना चाहिए, लेकिन 1 से 1.5 महीने हो गया और देखिए कितना ऑयल जम गया है। तो इसको मैं गर्म पानी, सबसे पहले इसको गर्म पानी में इसको भिगा के इसके बाद फिर इसमें सर्फ डाल डाल के इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, ताकि बहुत, मतलब ऑयलिंग है तो बहुत ज़्यादा, मतलब साफ़ करने में टाइम लगेगा। वैसे तो ये कास्टिक सोडा मैं रात में अगर सिंक में जो है डाल के पानी भर के इसको भिगा दूँ ना, तो सुबह तक एकदम चमक उठता है, लेकिन मैं कास्टिक सोडा नहीं रखती हूँ, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, तो ये सब सामान जो है रखने में बहुत डर लगता है। तो बस यहाँ पे मुझे इसको 20 से 25 मिनट लग गए थे वॉश करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल जम गया था ना, तो उसको साफ़ करने में बहुत मेहनत लगा। तो फाइनली मैंने उसको साफ़ करके और मैंने उसको धूप में डाल दिया कि थोड़ा सा जो बचा खुचा ऑयल होगा वो धूप में पिघल जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद फिर आती है डिब्बों की बारी, तो मैंने पहले कबर्ड को साफ़ किया, उसके बाद डिब्बे तो पहले मैं एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी, उसके बाद सूखे टॉवल से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। क्या है ना कि जैसे आप किचन में काम करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करने की बारी आती है तो महीने में एक बार ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि सभी लोग करते हैं, क्योंकि किचन तो ऐसी चीज़ है कि खाने पीने का सामान जो होता है वैसे भी साफ़ शुद्ध रहना चाहिए। और ये है दिवाली के कुछ गिफ्टेड, तो ये मैं जो है इसको मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं यूज करूँ, रखे रखे पड़ा ही रहेगा। और ये छोटे छोटे जो बाउल हैं मेरे पास, छोटे छोटे थे ब्लू कलर के, लेकिन सारे टूट गए, तो मैं इसको यूज कर लूँगी। तो वही सारे मैं जो है देख रही हूँ, बाकी जो काम की चीज़ है वो निकाल लूँगी, जो बिना काम के है उसको छोड़ दूँगी। तो
बस। और डिब्बे मुझे इतने अच्छे लगते हैं, जो सारे गिफ्ट के डिब्बे होते हैं वो मैं हमेशा जो है संभाल के रखती हूँ, लेकिन बच्चे खेलते हैं, फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसके जो डिब्बे होते हैं ना, जैसे DIY के लिए जो होते हैं, तो मैं उसको रख लेती हूँ, कुछ ना कुछ उससे बनाती रहती हूँ। और उसके बाद मैं एक एक कवर्ड करके साफ़ करती रहूँगी और सारे डिब्बे जो है साफ़ कर करके रख दूँगी, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन जो है क्या होता है कि मैं डिब्बे को हमेशा तीसरे चौथे दिन साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जब सामान डिब्बों में खाली हो जाता है ना, तो मैं डिब्बे को अंदर से अच्छे से एक बार वॉश कर देती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस किचन साफ़ करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे लगे हैं, और मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर दिया, सारे सामान निकाल निकाल के मैंने जो मसाले थोड़े बहुत बचे थे, इसी बहाने क्या होता है जो जैसे कुछ सामान होता है ना रखी रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जब सफाई करती हूँ तब मुझे दिख जाता है, तो उसको मैं अलग से जो है निकाल कर इसको स्टोर कर देती हूँ, ताकि जब मुझे यूज करना हो तो इसमें से मैं यूज करूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पड़ा रह जाता है। तो ऊपर के सारे कवर्ड मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, अब बारी आती है नीचे काउंटर टॉप के, तो इसको भी मैंने अच्छे से जो है जो सामान बिखरे हुए थे उसको भी मैंने सेट कर दिए हैं अच्छे से। और उसके बाद मैंने गीले कपड़े से बस थोड़ा सा पानी में भिगा के इसको अच्छे से निचोड़ के बस उसी से मैं साफ़ कर दूँगा, उससे से मेरा जो है कवर्ड अच्छे से चमक गया है, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा अगर गंदा है तो वो जो खाने वाला सोडा होता है उसमें थोड़ा सा गर्म पानी और नींबू डाल के उसमें कपड़े की मदद से उसको अच्छे से जो है रगड़ के पोंछ दो तो चमक जाता है बढ़िया से। तो मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने जो है वैसे सिंपल जो है पानी से कपड़े भिगा के उसके बाद उसको निचोड़ के अच्छे से पोंछ दिया, तो सारे काम मेरे हो गए हैं, किचन तो मेरा क्लीन हो गया है, और मैंने प्लेटें भी लगा दी हैं चिमनी की, क्योंकि अब पूरा परफेक्ट हो गया है। और कमरे भी मैंने दोनों साफ़ कर लिए हैं, झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है, उसके बाद फिर मैं नहा कर आ गई हूँ। मौसम इतना रूखा हो रखा है कि अगर नहाने के बाद कुछ लगाओ ना मॉइस्चराइजर, तो हाथ पैर चेहरे एकदम रूखे रूखे से लगते हैं। तो नहाने के बाद जो है, वैसे तो मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं जो है इस टाइम लगा ले रही हूँ, क्योंकि बहुत रूखा मौसम हो रखा है, हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है लू की तरह। तो फाइनली मेरे सारे काम डन हो गए हैं, और मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ, मुझे काम करने में 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, और मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। और तो मैं क्या है ना, मैं जैसे डेली साफ़ करती रहती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, लेकिन मैं एक बार ज़रूर जो है क्लीनिंग करना चाहिए। हाँ, सक्षम लड्डू तौलिया दे दो। तो लड्डू भी नहा लिया है, सक्षम भी अब नहा चुका है, क्योंकि आज हम लोग की छुट्टी थी। बढ़िया है, अगर कहते ना खाली घर शैतान का होता है, तो अपना अगर मन लगाना तो सबसे बढ़िया घर का कोई कोना पकड़ लो और सफाई करते रहो। और लड्डू भी नहा लिया है, घर साफ रहता है ना तो मन को बड़ा शांति और सुकून मिलता है। सच बताओ, बच्चे की देखभाल करो, घर का काम करो, यही सब होता है काम। तो फाइनली जो है सारे काम डन हो गए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाल सुखाने छत पे। धूप है, लेकिन बहुत हल्का हल्का धूप है, मौसम इस समय फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। तो हाँ, अभी मुझे सर्दियों के कपड़े एक दिन रखने हैं सारे, क्योंकि सारे आलमीरा भरे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन वो भी जो है टाइम निकाल के सारे कपड़े जो है फोल्ड करके सर्दियों के रख ली हूँ, क्योंकि बीच बीच मैं थोड़ा थोड़ा करके धुल ले रही हूँ, और सही है क्योंकि मशीन में इकट्ठा कपड़ा तो आएगा नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उलन कपड़े धुल के बस मुझे रखना है। तो चलिए जो है अब मैं शाम को मिलती हूँ आप लोगों को। उसके आगे ये बेस्ट चाहिए, जैसे किसी चीज का नाम। क्या ढूंढ रहे हो लड्डू? मुझको सी नहीं मिल रहा। सी नहीं मिल रहा है?
ये दोनों चेस क्यों लगा के बैठे हो जब तुम्हें खेलना नहीं है तो? खेलो मैं खेलूं तुम्हारे साथ? चारों मैं खेलूं? चारों गेम खेलूंगी, नहीं मैं एक को गेम नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ। तुम ना रोने लगते हो, तुम हार जाते हो तुम रोने लगते हो। चारों इधर देखो रोगे, गेम। मेरी तरफ देखो रोगे नहीं। नहीं रोगे? अगर तुम हारोगे तो नहीं रोगे ना, पक्का प्रॉमिस? हाँ। ठीक है। और मैंने मंगाया है हरन चना। मुझे हरा चना कच्चा भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, और इसकी जो भी रेसिपी बनती है मुझे हरे चने की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं इसका बनाने वाली हूँ निमोना, और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो मैं सीधे अब आ गई हूँ शाम का डिनर बनाने। तो यहाँ पे मैं जो है लहसुन अदरक हरी मिर्च जीरा और धनिया ढेर सारा, तो इसको मैं ग्राइंड करूंगी और मैं बनाऊंगी हरे चने का निमोना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और आप लोग को भी पसंद आएगा ही आएगा आप इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चने को भी जो है अच्छे से दरदरा सा पीस लिया है। इसके बाद फिर मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल, कढ़ाई गर्म हो गई है। इसमें मैं 6 7 8 जो भी होगा इसमें मैंने बड़िया डाल दिया है, और बिना बड़ी के निमोना अधूरा रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से जो है फ्राई हो गया, तो मैं इसको निकाल लूँगी नहीं तो ये जल जाएगा। इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू, तो आलू जो है इसको भी अच्छे से फ्राई करना है। जितना मतलब निमोना क्या होता है, जितना आप भुनेंगे उतना अच्छा ही टेस्ट निमोना बनता है, चाहे आप हरे चने का बनाइए चाहे या मटर के निमोने का बनाइए, मतलब मटर का बनाइए। तो आप जितना भुनेंगे, भुनने के ऊपर है, और जितना भुनेंगे उतना अच्छा बनेगा। तो फिर इसमें मैंने जो है अच्छे से आलू भुन गया था, तो मैंने इसमें हरे चने जो है मैंने डाल दिए दरदरा से जो पिसा हुआ था। अभी ये देखिए मैंने इसको इतना भुना है, 5 से 10 मिनट तक भुना है, ये देखिए एकदम भरभरा सा हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला मैंने डाल दिया है, और ये जो मैंने पीसा था वो मैंने डाल दिया है। इसमें लहसुन अदरक और हरी धनिया जीरा हरी मिर्च ये सब मैंने पीसा था। इसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर कट करके डाल दिया। अब इसको भी मुझे 5 से 10 मिनट तक भुनना है, जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत भुना है, तब जाके ये जब तक इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे तब तक इसको भुनते रहिए, क्योंकि जब इसका कच्चापन निकल जाता है तब अच्छा मतलब लगता है खाने में भी। और तो बस यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, और इसके बाद बड़ी डाल दिया मैंने। अब इसमें हम डाल देंगे अपने हिसाब से पानी, आपको जैसे पानी चाहिए, थिक चाहिए तो आप कम पानी डालिए, थिन चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। यहाँ पे ये देखिए मेरा बढ़िया सा हरे चने का निमोना बनकर रेडी हो गया है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा खाना भी बन गया है, मैंने चावल भी बना लिया है, निमोना भी बना लिया है, और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं करने डिनर, आप लोग भी आ जाइए। तो बस सबको खाना दे देती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए लड्डू, जब तक मैं किचन में साफ़ कर रही थी तब तक लड्डू यहाँ पे पूरा फैला दिया है खिलौना, अब इसको भी मुझे समेटना पड़ेगा, और ये बहुत शैतान हो गया है। तो बस चलिए ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यहाँ पे सक्षम की कल पेपर है तो इसको थोड़ा सा तैयारी करवा रही हूँ साथ के साथ।